सेकंड क्वेश्चन में दो इक्वेशंस दिए गए हैं, उसको सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालना है, और वो एक्स वाई की वैल्यू जो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का जो इक्वेशन दिया है उसमें रखना है, और फिर एम की वैल्यू निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम वन, फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं तो 2x इज इक्वल टू 11, 3y को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो -3y हो जाएगा, और यहाँ पे 2 इंटू में है तो 11 -3y ये डिवाइड में हो जाएगा, ये इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब इसको हम इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं, इसी वैल्यू को, एक्स की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं। तो टू इंटू एक्स यहाँ पे रखना है, एक्स की वैल्यू 11 -3y अपॉन 2 -4y इज इक्वल टू -14, ये 2 इंटू में है और ये डिवाइड में, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 आया, 2 1 2, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, -4y इज इक्वल टू -24। अब लाइक टर्म्स -3 और -4 हो जाएगा -7, 11 उधर ट्रांसफ़र होगा तो प्लस से -11 हो जाएगा। ये -7y इज इक्वल टू -35, ये दोनों माइनस में है, दोनों ऐड हो जाएगा, 7 5 जा 35, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वाई की जो वैल्यू आ गई वो 5 आ गई। अब इसी वाई की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, पुटिंग वाई इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड में रखते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू 11 -3y, 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू है 5 अपॉन 2, तो 11 -15, 5 3 जा 15 अपॉन 2, 15 में से 11 माइनस होगा, -4 आएगा, और 2 से 15 का डिवाइड करेंगे, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, -2। तो जो एक्स की वैल्यू थी वो -2 आ गई। अब एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू को हम वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में रखते हैं, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू वाई 5 है, एम की वैल्यू निकालना है, और एक्स -2 है, और सी सी नहीं है, 3 है, और ये 3 यहाँ पे है। अब ट्रांसफ़र करते हैं मल्टीप्लाई करके, तो 5 3 उधर आएगा, माइनस हो जाएगा, -2 से एम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m होगा, और ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू -2m। अब जब m की वैल्यू निकालेंगे तो इनटू में था तो डिवाइड में चला जाएगा, तो माइनस से माइनस, 2 से 2 को डिवाइड करते हैं 1 आएगा, माइनस से प्लस को डिवाइड करते हैं तो माइनस आता है, m इज इक्वल टू -1 जो होगा आंसर होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि अच्छे समझ में आ जाए, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता उसको रिवाइज करिएगा, रिवाइज करके रिवर्स करके वीडियो को देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन में दो नंबर है तो हम ग्रेटर नंबर को वाई मान लेते हैं और स्मॉलर नंबर को एक्स मानते हैं, और क्वेश्चन में लिखा है जो एक नंबर है वो दूसरे का 3 टाइम्स है, तो बड़ा नंबर तो 3 टाइम्स नहीं होगा, छोटा नंबर 3 टाइम्स होगा। अगर मान लीजिए 5 है, 15 है, ये इक्वल नहीं है, लेकिन अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं छोटे वाले नंबर पर तो इक्वल हो जाएगा, तो इसलिए छोटे वाले नंबर पे मल्टीप्लाई किया। और फिर बोलता है दोनों नंबर का डिफरेंस जो है वो है 26, तो दोनों नंबर का डिफरेंस यानी बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो वो 26 आएगा, ये सेकंड इक्वेशन हमने मान लिया। अब y इज इक्वल टू 3x इसको पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन सेकंड में,
तो यहाँ पे 3x रखेंगे, 3x, फिर x है माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। अब 3x में से 2x माइनस होगा, 1x माइनस होगा तो 2x आएगा, x इन के इंटू में है 2, 2 डिवाइड में चला जाएगा इंटू में है तो ये आ जाएगा 2 1 2 और 3 2 3 जा 13, x इज इक्वल टू 13 आएगा। Therefore, y इज इक्वल टू 3x था तो 3 इंटू एक्स यानी x की वैल्यू 13 13 3 जा 39। तो जो ग्रेटर नंबर होगा वो हो गया आपका 39 और जो स्मॉलर नंबर हो गया वो है 13। यही हो जाएगा आंसर आपका। तो सेकंड क्वेश्चन में भी सेम, लार्जर एंगल दिया है स्मॉलर एंगल दिया है, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो लार्जर एंगल को हम x मान लेते हैं और स्मॉलर एंगल को y मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जब सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं दोनों को ऐड करने पे 180 डिग्री आता है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दोनों को ऐड किया, फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल को ऐड किया, 180 डिग्री आया। अब जो ग्रेटर एंगल है उसको माइनस करेंगे तो आता है 18 डिग्री, ये भी क्वेश्चन में दिया गया है। तो ग्रेटर एंगल में से माइनस करेंगे स्मॉलर एंगल तो 18 डिग्री आएगा, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। नाउ अब इसे ही इसी से ही थर्ड इक्वेशन बना लेते हैं, यहीं पर एक्स इज इक्वल टू 18 प्लस वाई, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। पुटिंग थर्ड इक्वेशन को हम फर्स्ट में रखेंगे क्योंकि सेकंड से बनाए हैं। पुटिंग 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम इसको रखते हैं तो x प्लस वाई, तो x की जगह पर 18 प्लस वाई और एक y पहले से है इक्वेशन में तो वो हो जाएगा ये, और y 2y हो जाएगा और 180 उधर ट्रांसफ़र कर दिए हैं तो प्लस से माइनस हो जाएगा 162। 180 में से माइनस हुआ 162 आया, इन टू में था 2, डिवाइड में चल गया 2 8 जा 61, 2 1 जा 2, तो y की वैल्यू आ गई 81। अब 81 इक्वेशन थर्ड में रखते हैं, थर्ड में रखेंगे तो x की वैल्यू 18 प्लस 81 तो ये हो जाएगा 99। तो x की वैल्यू यानी बड़ा एंगल 99 डिग्री हो जाएगा और जो छोटा एंगल है वो हो जाएगा 81 डिग्री, और दोनों को ऐड करने पर 180 डिग्री आता है, यानी क्वेश्चन आप सोल्यूशन आपका सही है। थर्ड क्वेश्चन में 1 बैट और 1 बॉल का कॉस्ट मान लिया हमने एक्स और वाई। क्वेश्चन में दिया है क्रिकेट टीम ने 7 बैट खरीदे हैं तो 1 बैट का कॉस्ट है एक्स, तो 7 बैट का कॉस्ट होगा 7x। 1 बॉल का कॉस्ट है वाई तो 6 बॉल का कॉस्ट होगा 6y। और दोनों को जो मिला के जो कॉस्ट आता है वो 3800 रुपीज़ है, तो ये पहला इक्वेशन बन जाएगा इस तरह से। बाद में 3 बैट खरीदा यानी 3x और 5 बॉल्स तो 5y, ये आपका सेकंड इक्वेशन बनेगा, उसका कॉस्ट है 1750 रुपीज़। अब इसी से हम थर्ड इक्वेशन बना लेते हैं, यहीं पर तुरंत फैसला करते हैं। 5y उधर ट्रांसफ़र होगा, माइनस 5y हो जाएगा। अब ये 3 × 2 में था तो ये चला जाएगा डिवाइड में, तो 1750 माइनस 5y अपान 3। अब इसको ये थर्ड इक्वेशन होगा, अब इसको रखते हैं पुटिंग इक्वेशन थर्ड, किससे बनाया है हमने सेकंड से बनाया है तो 1 में रखेंगे। 1 में रखते हैं तो 7x 7 × 1750 माइनस 5y अपान 3 और प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अब
सेवन से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, सेवन जीरो जा जीरो, सेवन फाइव जा 35, सेवन सेवन जा 49 और 3 50, टू 5 कैरी, सेवन वन जा 7 और 5 12 और सेवन फाइव जा 35। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं 3 का और ये हो जाएगा 36 जा 18 वाई इज इक्वल टू 3800। 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 12,250, ये 18y माइनस हो जाएगा 35 में, तो 17y आएगा और 3800 का 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे ही, 3 0 0, 3 8 24, 3 3 9 और 2 11। अब माइनस 17y वेरिएबल एक तरफ, नॉन वेरिएबल एक तरफ कर देते हैं, ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, प्लस से हो जाएगा माइनस में, माइनस 17y 11,400 माइनस होगा 12,250 में से, तो ज़ीरो में से ज़ीरो जाएगा तो ज़ीरो, फाइव में से ज़ीरो जाएगा ज़ीरो और 122, फाइव में से ज़ीरो जाएगा फाइव और 114 में से ये हो जाएगा तो ये 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू आएगा 850 अपान 17, 17 इंटू में था डिवाइड में चला गया, 17 फाइव जा 85, वाई इज इक्वल टू 50, यानी ये बॉल का कॉस्ट हो गया 50 रुपीज़। अब इस बॉल के कॉस्ट को रखते हैं इक्वेशन थर्ड में, 5y था, y की वैल्यू 50 अपान 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 17,50 इसका मल्टीप्लाई करेंगे 250 अपान 3, ये हो जाएगा 1500 अपान 3, 7 3 5 15, 500 रुपीज़, ये हो गया आपका बैट का कॉस्ट। तो वन बैट का कॉस्ट हो गया 500 रुपीज़ और वन बॉल का कॉस्ट हो गया 50 रुपीज़, दैट इज़ योर आंसर।